पिछली बार मेरा नहीं हो पाया था क्योंकि मैंने तैयारी नहीं की थी। इस बार टीचर्स के सपोर्ट से और अपने प्रिपरेशन से उनकी वजह से ये सपना स्टार्ट हो पाया है कि भी हम कोचिंग स्टार्ट कर पाए। हमें तराशना चाहिए और नीट और IIT में उनको आगे तक है इनका, और माता पिता भी इनका पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, कॉन्शियस कैरियर इंस्टीट्यूट के भी टीचरगण। नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको शेखावाटी और मैं हूँ आपके साथ दीपक शर्मा। देखिए खास खबरों को हमारे साथ, चैनल करिए सब्सक्राइब। धन्यवाद। नीम का थाना क्षेत्र में प्रथम वर्ष में ही CCI के छात्र छात्राओं का नीट 2024 में हुआ चयन। नीम का थाना के कॉन्सेप्ट कैरियर इंस्टीट्यूट में मुस्कान यादव ने रैंक 1474 और चिंटू कुलहरी ने रैंक 2117 और जॉय रॉय ने रैंक 8293 का नीट 2024 में चयन होने पर स्कूल स्टाफ द्वारा माल्यार्पण करके सम्मान किया गया और माता पिता का और गुरुजनों का भी धन्यवाद ज्ञापित किया गया। नमस्कार, आज हम आपकी ऐसी एक बच्ची से बात करवाएंगे, एक बालिका से, देश का भविष्य से। हमारी देश की बेटियां जो सबसे आगे हैं और आने वाले समय में इस देश की बागडोर भी संभवतः बेटियां संभालेंगी। और नीम का थाना, राजस्थान के नीम का थाना के SMS स्कूल परिसर में आज हूँ मैं और आज आपकी बात करूँगा मुस्कान यादव से, जो कॉन्सेप्ट कैरियर इंस्टीट्यूट में यहाँ टीचिंग कर रही हैं, कोचिंग किए हैं और IIT में इनका सिलेक्शन नीट में हुआ है और नीट में सिलेक्शन एक राजस्थान में अच्छी कैटेगरी में हुआ है। कॉन्सेप्ट कैरियर इंस्टीट्यूट IIT और नीट की तैयारी करवाता है यहाँ बच्चों को, जो मुस्कान यादव है इनका नीट में सिलेक्शन हुआ है। इनसे बात करेंगे कि किस प्रकार से यहाँ आपको कॉन्सेप्ट कैरियर इंस्टीट्यूट में तैयारी करवाई गई। मेरा ये एडमिशन टारगेट बैच संभव में हुआ था, उसके बाद टीचर्स ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। पिछली बार मेरा नहीं हो पाया था क्योंकि मैंने तैयारी नहीं की थी, इस बार टीचर्स के सपोर्ट से और अपनी प्रिपरेशन से। कॉन्सेप्ट कैरियर इंस्टीट्यूट में आपने नीट की तैयारी किस प्रकार से की? यहाँ पर मैंने सर की गाइडेंस में, सरों के मुताबिक, सर ने जैसे बताया कैसे पढ़ना है, क्या करना है, या फिर अगर हम कभी कोई दुविधा में भी आ जाते हैं या स्ट्रेस में आते हैं तो सर ने हमें प्रॉपर काउंसलिंग करी, हमें समझाया कि ऐसे ये करना है, ऐसे करना है, टेंशन नहीं लेना है। कौन से सर ने आपको सपोर्ट किया? सारे सरों ने सपोर्ट किया, लेकिन हमारे मेन काउंसलर हमारे डायरेक्टर सर रवि जी सर। तो आपके माता पिता का इस नीट की एग्जाम की तैयारी के लिए कितना सपोर्ट रहा, किस प्रकार से रहा? घर वालों का पूरा सपोर्ट रहा, उन्होंने तो हर तरीके से सपोर्ट करनी चाहिए। अगर मैं लेट रुकता हूँ तो भी वो लेट आके लेके जाते थे कि हाँ बच्चे की पढ़ाई पूरी होनी चाहिए, तो हमें कितनी सपोर्ट था। कितनी रैंक आई है आपके राजस्थान में? ऑल इंडिया रैंक तो 16 लाख है और मेरा कैटेगरी रैंक 8200 है। बिल्कुल 8200। तो कितने घंटे आपने पढ़ाई की? एवरेज इनिशियली तो बहुत कम था, लेकिन धीरे धीरे टाइम बढ़ता गया, मेरा 14 आवर्स 16 आवर्स तक पहुँच गया था। आगे रीजन क्या है जीवन का? रीजन तो अभी कॉलेज में जाए, MBBS में डॉक्टर बने, बड़े दूसरों की हेल्प करें और खुद भी अपने खुद की हेल्प रखें। बिल्कुल डॉक्टर हैं, डॉक्टर बनने का उद्देश्य है इनका और माता पिता भी इनका पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट कैरियर इंस्टीट्यूट के भी टीचरगण जो अध्यापक हैं वो भी इनका सपोर्ट कर रहे हैं। तो बाकी और कुछ बताना चाहेंगे आप, प्रेरणा जो मिले ऐसी किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए जिससे छात्र नीट में अच्छी रैंक से सिलेक्शन हो, आपका क्या मानना है? अगर आपने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। कोई भी सर नहीं चाहता कि मेरा बच्चा कम नंबर लाए, आप टीचरों की बात सुनोगे, टीचर पूरी तरह आपकी मेहनत करेंगे कि आप आगे बढ़ो, उनकी बात सुनोगे तो आपको ऑब्वियसली नंबर आना ही। नाम क्या बताया आपने? जॉय। आगे? रॉय सर ने मैम। बिल्कुल। पिताजी का नाम बताया? भवेश। गांव कौन सा? नीम का थाना सिंह। बिल्कुल, ये देख सकते हैं इन दोनों बच्चों का नीट में सिलेक्शन हुआ है, कॉन्सेप्ट कैरियर इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं, नीम का थाना के SMS स्कूल परिसर में यह इंस्टीट्यूट संचालित होता है। और बात करेंगे, कृष्ण यादव है यहाँ के डायरेक्टर, इनसे भी बात करेंगे। इस बच्चों को जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपने किस प्रकार से नीट की और इनकी तैयारी करवाई? जी, आपसे कहना चाहूँगा कि पिछले सत्र में डॉक्टर रवीश जी संपर्क में आए, उन्होंने कहा कि नीम का थाना में अच्छे बच्चे हैं जिनको हमें तराशना चाहिए और नीट और IIT में उनको आगे तक हमें भेजना चाहिए। उनका प्रयास रहा, मेरा भी हमेशा से प्रयास रहा है कि मैंने खुद ने 55 डॉक्टर जा के मैंने एडमिशन करवाए हैं, मोटिवेट किया है उनको, प्रेरित किया है
और उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो सुविधाएं प्रोवाइड करवाई हैं। और 55 एडमिशन करने के बाद मैंने ये ठाना कि अब नीमका थाना जिला बन गया, अब यहाँ भी मेडिकल की और आईआईटी की कोचिंग की ज़रूरत है, जिससे जो गरीब बच्चे हैं वो यहाँ पढ़ सकें, कम फीस में पढ़ सकें और डॉक्टर और इंजीनियर बन सकें। इस उद्देश्य को लेकर पिछले वर्ष सीसीआई की स्थापना की गई। निश्चित रूप से इन बच्चों ने, फैकल्टी ने अच्छी मेहनत करवाई, पहले ही सत्र में बहुत अच्छा परिणाम दिया। मैं सभी गुरुजन लोगों का और इन बच्चों को बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने अच्छी मेहनत की, निश्चित रूप से ये जीवन में आगे बढ़ेंगे और सफल। बिल्कुल, आप देख सकते हैं किस प्रकार से कॉन्सेप्ट कैरियर इंस्टीट्यूट की यहाँ शुरुआत हुई पिछले साल, और नीमका थाना में शायद पहली बार है कि किसी इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे शुरुआत की है इन बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाने की, और यह सफल भी होता जा रहा है। इन दोनों बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, मुस्कान यादव है, जोय है, तो आप ये देख सकते हैं और एक अच्छी सफलता है। और बाकी इनसे प्रेरणा मिले, आप इस वीडियो को शेयर करें, फॉलो करें। भारी मात्रा में फीस देकर वहाँ पर अपना फिर भी अपना टारगेट अचीवमेंट नहीं कर पाते, गार्जियन से दूर रह पाते हैं, तो क्यों ना हम अपनी अपने ही क्षेत्र के अंदर कम फीस में और बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करवा सकें। किशन सर का भी हमारा यही टारगेट था कि बच्चों को कम फीस में हम एक अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर सकें, तो हमने मिलकर एक लास्ट ईयर एक कॉन्सेप्ट गिरे की शुरुआत की 13 अप्रैल को, और सर के सहयोग से और हमारी टीम की मेहनत से हमने दो रिजल्ट। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सर लोकेश कुमार सैनी। लोकेश जी सैनी है, फिजिक्स पढ़ाते हैं, और बिल्कुल एजुकेशन आपकी? मैंने सर MSc फिजिक्स IIT रोपड़ से किया, पंजाब। बिल्कुल बिल्कुल, और आगे इस पर इन बच्चों का भविष्य अगर संवरे, आप किस प्रकार से मेहनत और करना चाहोगे? मानव हम अपनी मेहनत को और लास्ट ईयर के कंपेयर में और भी ज्यादा हम और मेहनत करेंगे ताकि हम यहाँ से मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों को सिलेक्शन दे सकें। जी जी, आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम सुमित रतन सक्या। किस प्रकार की, कौन सी सब्जेक्ट की टीचिंग करवाते हैं? केमिस्ट्री। तो बताएं इन बच्चों के बारे में कि जिससे इन बच्चे आगे बढ़ सके, आपने किस प्रकार से तैयारी करवाई? एक छोटी सी जगह में कॉन्सेप्ट कैरियर इंस्टीट्यूट की हम लोगों ने शुरुआत की थी, और उन जो बात जिन उम्मीदों के साथ आए थे उन पे हम बहुत ही खरा और बहुत ही 100% सॉलिड रहे। उनके अपने जो बच्चे जो सपने लेकर आते हैं हम लोगों के साथ, हम चाहते हैं कि हम लोग उनके साथ बहुत हार्ड वर्क करें और वो अपनी जो उनकी उम्मीदें हैं, जो एक्सपेक्टेड कॉलेज या ब्रांच जो चाहते हैं वो वहां तक पहुंचे। बिल्कुल, आपकी पढ़ाई कहां तक है सर? मैं MSc कानपुर से हूँ। जी जी, आपका क्या नाम है सर? डॉक्टर रवीश वर्मा। तो सर किस प्रकार से इन बच्चों की मेहनत आपने करवाई रात दिन में जो भी एक करके? कॉन्सेप्ट करियर की शुरुआत 13 अप्रैल को हमने की, कृष्ण जी सर हैं उनकी वजह से ये सपना स्टार्ट हो पाया है कि भी हम कोचिंग स्टार्ट कर पाए। उसके बाद में शुरुआत में हमारे पास 65 स्टूडेंट थे, टारगेट बैच में हमारे पास 7 स्टूडेंट थे। पहले बैच में हमने 2 बच्चे हमारे सेलेक्ट हुए। जुलाई के बाद में अगस्त में जो ही हम आए तो बच्चों का टाइम हमने यूँ कर दिया कि भाई सुबह 6 बजे आते हैं, शाम को 6 बजे रुक जाते हैं, तो इनकी जो भी छोटी छोटी गलतियाँ थी वो हमने ठीक करवाई। शुरुआत में माइनर टेस्ट लगे जो करीबन 10-12 थे, उसके बाद में हमने चैप्टर वाइज टेस्ट करवाए, फिर हमने यूनिट वाइज करवाए, और उसके बाद में यूनिट को क्लब कर दिया, तो करीबन 75 से ऊपर टेस्ट हुए। इन टेस्ट के दौरान इनकी छोटी छोटी गलतियाँ इनको बुलाया गया, बताया गया, डायरी से मेंटेन किया कितने आवर्स पढ़ना है, ये तमाम मोटिवेशन का फायदा ये रहा, मिलकर सबने टीम में काम किया तो ये दोनों सिलेक्शन हमारे लिए। जी, कौन सा सब्जेक्ट आप यहाँ टीचिंग करवाते हैं? बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। बायोलॉजी, बॉटनी और जूलॉजी। तो आपका जो एजुकेशन कहाँ तक है सर? मैं PhD हूँ। PhD है? मैंने रास यूनिवर्सिटी से PhD की बॉटनी। और यहाँ नीमका थाना से हैं आप? हाँ, मैं नीमका। जी, ये देखिए कि यहाँ फैकल्टी हैं, जो टीचर हैं इन बच्चों के, काफ़ी कम बच्चों के बीच इन्होंने मेहनत करवाई और आज अचीवमेंट हुआ है, एक इनका विजन भी तैयार हुआ है और आगे आने वाले और बच्चों का विजन तैयार होगा। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ मेरे साथ सामने रोड पे मुख्य रोड है बाईपास की, और यहाँ SMS स्कूल परिसर में कॉन्सेप्ट कैरियर इंस्टीट्यूट है, यहाँ इन बच्चों की मेहनत है। धन्यवाद। जय हिंद।